मिथिला की साहित्य परंपरा बहुत पुरानी रही है। कहा जाता है कि एशिया का पहला आर्य भाषा का गद्य ग्रंथ मैथिली में लिखा गया, जो तिरीश्वर ने 13वीं शताब्दी में वर्ण रत्नाकर लिख दिया। साहित्य आज भी मैथिली का बहुत आगे है, वो बंगला साहित्य के समकक्ष, मराठी साहित्य के समकक्ष, कन्नड़ साहित्य और वैश्विक साहित्य के समकक्ष चल रहा है। 8 अगस्त 1962 को मैथिली सिनेमा की जो यात्रा शुरू हुई, कई कारणवश वह अब भी गति में नहीं आ पाई है, 60 साल बाद भी, उसी दिशा का एक प्रयास मात्र है जिला बेगूसराय, जो मिथिला की फिल्म है, मिथिला के आमजनों की भाषा की फिल्म है, यानी मैथिली की फिल्म है। बाकी और पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? एक समय हुआ करता था बिहार में कि अगर कोई कह देता था कहाँ घर है तो बेगूसराय है, तो आदमी को डर हो जाता था बेगूसराय नाम से। वह डर जो था, या वह जो डर है, वह जो वातावरण बना हुआ है, कहानी के इर्द गिर्द कहीं ना कहीं वो चीज है, लेकिन उसके साथ ही वहाँ की जो भाषा है, वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो खेती है, आज भी आप जाइएगा बेगूसराय में बहुत कुछ मिलेगा। मेरे एक मित्र ने फेसबुक पे आज से 4 साल पहले लिखा था कि काश भारत भवन जैसा कुछ मिथिला में होता भोपाल की तरफ, तो मैं बोला कि बेगूसराय के गोदरगामा चले जाओ, जाके देखो वह गाँव, वैदेही पुस्तकालय, वह नाट्य सभागार, दिनकर की भूमि, सिमरिया, गंगा, बहुत कुछ है। बस तो यह मिथिला की फिल्म है जिला बेगूसराय के बहाने, और मिथिला दो देशों में बटी हुई है, भारत और नेपाल। भारत और नेपाल के जो भी नामचीन कलाकार हैं उनको समेटने का कोशिश मैंने किया है, अभी बस कोशिश है, अब देखते हैं कितना सफल हो पाता हूँ। यही है जिला बेगूसराय। बस साधारण सा परिचय है, बिहार में एक नदी है शोक के नाम से कहा जाता है, जैसे चीन में हुआंग हो वैसे बिहार में कोसी, मिथिला में कोसी, कोसी के किनारे मेरा एक छोटा सा गांव है, वहाँ से पढ़ाई लिखाई करते हुए भागलपुर में पढ़ाई हुई, फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई, और सब भाइयों में मैं सबसे छोटा हूँ, और मैंने एक ऐसा ट्रैक चुना, कर रहा हूँ, डायरेक्शन कर रहा हूँ इस फिल्म का। जी, आप इससे पहले क्या और कोई भी पिक्चर बनाए? इससे पहले मेरी लघु फिल्में आई हैं, इतिहास वृत्त चित्र आया है, डॉक्यूमेंट्री मधुश्रावणी, मायानंद मिस द ओल्ड एंड सॉलिट्यूड, करता रहा हूँ, बस करते रहा हूँ। इस मूवी के बारे में अभी तक मुझे जो भी पता चला है, जो भी इन्होंने बताया है, तो कहीं ना कहीं इसमें मेरा दो कैरेक्टर दिखता है, तो वो शायद मैं अभी क्लियर कुछ नहीं बता पाऊँगी इसके बारे में। मूवी से आपको क्या ऐसा लग रहा है? ये मेरे लिए बहुत, मुझे लगता है कि मेरे लिए कहीं ना कहीं ये एक, बोलते हैं कि जो हम हैं वो अलग चीज़ होती है, जो हम नहीं हैं अगर उस चीज़ को कैमरे के सामने दर्शाते हैं तो कहीं ना कहीं वो मुझे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है। मैडम, आपका नाम क्या है और इस फिल्म में आपके रोल में क्या रोल है? इस फिल्म में मैं एज अ लीड ही कर रही हूँ, और मेरा नाम दीक्षा झा है। मेरा नाम राजीव सिंह है, और मैं विलन हूँ नहीं, विलन का पात्र मैं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरी मैथिली पिक्चर में जो भी मैथिली पिक्चर बनी जिसमें मैंने काम किया, उसमें मैंने विलन का ही काम मैं किया है। इससे पहले सस्ता दिन की महक सिंदूर में मैंने गजराज के नाम से मेरा विलन का मेरा था, जो काफ़ी चली थी। इसके बाद मैंने और भी मूवी मैंने किया है, मैथिली फिल्म में मैंने किया, और इसके बाद जिला बेगूसराय जो नाम से ही एक टाइटल ही मुझे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट किया, और जो इन्होंने कथा मुझे सुनाया, जो मेरा कैरेक्टर उन्होंने दर्शाया बताया उन्होंने, तो मुझे उसमें बहुत ही चैलेंजिंग कैरेक्टर है, एक मुस्लिम का कैरेक्टर है जो विलन है, और मैं बहुत ही प्रभावित हुआ इस कैरेक्टर से, और इसके बाद मैं चाहा जो जरूर करना ही चाहिए, और ये अपनी भाषा की फिल्म है, मैथिली से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मैथिली अपनी भाषा से, तो मैं चाहता हूँ जो इस पिक्चर ये बने और काफ़ी हिट हो, ये मैं कामना में करता हूँ, और सभी दर्शक को भी मैं बताता हूँ कि ये पिक्चर आप लोग ज़रूर देखें, टीवी पे देखें, सोशल मीडिया पे देखें, सब जगह ये रिलीज होने वाली है बनने के बाद। थैंक यू सो मच। मिश्रा हुआ, बेसिकली मिथिलांचल से हूँ, मैंने एक्टिंग में डिप्लोमा किया है, इससे पहले हिंदी फिल्में की हैं, सुर्ख वाला लव जिमी शेरगिल जी के साथ, कुछ कमर्शियल एड्स किए हैं,
हैं कॉस्ट ऑफ टेक मिनरल वाटर, जागो ग्राहक जागो, अभी 2-3 फिल्में कर रहा हूँ। मैं लीड हूँ, लीड एक्टर हूँ सर। ये फिल्म बिल्कुल सब्जेक्टिव है, एक अलग तरीके का फिल्म आप देख रहे होंगे, चाहे मैथिली या भोजपुरी की बात करें। तो अभी तक जो भी फिल्में हैं वो एक पेड़ के नीचे हीरो हीरोइन ने गाना गाया और फिल्म ख़त्म हो गई। ये फिल्म टोटली डिफरेंट है, आप एक्शन भी देख सकते हैं, बेगूसराय का एक कल्चर है वो भी देख सकते हैं, मिथिलांचल का एक कल्चर है वो भी देख सकते हैं। कहा जाना चाहिए कि एक जो मिथिलांचल का आप परिवेश मानते हैं कि सिर्फ दरभंगा मधुबनी है, वही एक नहीं है, पूरा मिथिलांचल को समेटने का काम किया गया है। तो मेरा कैरेक्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हैं, और बहुत ही मज़ेदार कैरेक्टर है जो मैं प्ले कर रहा हूँ। जी बिल्कुल है, इस फिल्म में हर कोई लीड ही है, आप ये नहीं कह सकते कि कौन लीड है कौन सेकंड लीड है, हर कोई अपनी अपनी जगह लीड ही है, वो आप देखेंगे फिल्म को पता चलेगा। जी सॉरी, हाँ मैं मिथिलांचल से ही हूँ। जी हाँ, इससे पहले भी मैंने एक फिल्म की थी जो अभी रिलीज हुई है 2 नवंबर को, प्रेमक बसा, और हिंदी मूवी भी मैं करने वाली हूँ इसी मंथ में। वही है जो सब सिमिलर है, मतलब जैसे मैं हूँ ना वैसे शायद मैं नहीं हूँ इस फिल्म में, तो कुछ अलग करने को मिल रहा है, थोड़ा उस पर काम भी करना है, क्योंकि मेरा जैसा है सॉफ्ट नेचर, मतलब स्वीट टाइप थोड़ा कुछ डिफरेंट है, बस इतना ही कहूँगा। नहीं नहीं ना ना, क्रिमिनल तीखा काम करने वाली है। एग्जैक्टली, कुछ ऐसा ही है, लाइक थोड़ी आप कह लीजिए कि थोड़ी ट्रैक से हट गई है लड़की, कुछ ऐसा टाइप का, जो जो स्वीट सी आरती लोगों को दिखती है शायद वो इसमें ना दिखे, बट वो भी स्वीटी है अपनी जगह, बस इतना ही। अब इस फिल्म से मैं पहला ही फिल्म है जो कि इसमें मेरा भी कुछ रोल है। तो कितना गाना इस फिल्म में आप गा रहे हैं? इस गाने में भी शायद मेरे ख्याल से एक गाना मैं गाऊंगा। ठीक है जी जी, और मैं संगीत तो कोई और देंगे। ठीक है, किस तरह का मतलब गाना होंगे आपका? अभी तो देंगे, अभी अगर आप सुनाना चाहते हैं तो सुना। नहीं, अभी वो गाना भी रिकॉर्ड नहीं हुआ है। हम दूसरा आवाज। हाँ, ऐसे ऐसे सुना। अच्छा नहीं, मैं इस फिल्म का भी गाना सुनाता हूँ मैं। खेतक जे आर पर अंगने दुआर पर, खेतक जे आर पर अंगने दुआर पर, हो कोनो ओढ़नी उड़ाबै छ गोरिया, हो कोनो ओढ़नी उड़ाबै छ गोरिया, प्यार तोरे सँ भऽ गेल तोहर क्रिया, प्यार तोरे सँ भऽ गेल तोहर क्रिया, चढ़िके ओचार पर नारे पुआर पर, चढ़िके ओचार पर नारे पुआर पर, बजबै छ प्रेम बसुरिया, बजबै छ प्रेम बसुरिया, प्यार तोरे सँ भऽ गेल तोहर क्रिया, प्यार तोरे सँ भऽ गेल तोहर क्रिया। मुझे मैं क्या शुभकामना दूँ? शुभकामना शुभकामना की तो मुझे ज़रूरत है। मैं जब इसमें मेन रोल कर रहा हूँ तो लोग की शुभकामना तो मुझे चाहिए। मेरी तो जिम्मेदारी मेरे सर पे बढ़ी हुई है कि इस तरह का सब्जेक्ट है, इस तरह की फिल्म हम लोग करने जा रहे हैं, एक अलग विधा की फिल्म हम लोग बनाने जा रहे हैं। तो और साथ में मेरे साथ जुड़ी हुई एक इतनी बड़ी इतिहास की एक फिल्म है सस्ता जनिए महक सुनू, तो मुझे तो आप लोग आशीर्वाद चाहिए पहले कि ये जो बोझ है मैं उठा पाऊँ। सर, जब बात हम इतिहास की करते हैं, जब बात इतिहास की करते हैं, आपने कितना देखा बदलाव जो देखा आपने मैथिली सिनेमा में खासतौर पे, और वो कितना बदलाव आपने कितना नोटिस किया है? सर, बदलाव की जहाँ तक आप बात करते हो, बदलाव तो मैथिली फिल्म के टोटल सिनेमा में ही बदलाव आया है। हमने हमारे 30-35 साल के करियर में हमने जितना भी काम किया है, चाहे भोजपुरी फिल्म हो, चाहे हिंदी फिल्म हो, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, जो भी फिल्मों में मैंने काम किया है, सिनेमा आज वो सिनेमा तो नहीं रह गया जिस हिसाब से पहले बनता था। पहले
रील पे फिल्म लोग शूट करते थे, हम लोग जब काम करते थे छोटे बजट की फिल्म होती थी तो हमको पहले से लोग आगाह कर दिया करते थे 10 फुट है 15 फुट है क्लोज तुम्हारा ले रहा हूँ, देखना रिटेक नहीं करना। आज तो डिजिटल पे फिल्म है, आपको बहुत सारी सुविधाएं आ गई हैं फिल्म बनाने के लिए, बहुत अच्छा काम आज के डेट में हो सकता है, कर सकते हो। वर्ल्ड वाइड सिनेमा काफ़ी डेवलप्ड हुई है, हर जगह आप इसको बेच सकते हो, इसको भेज सकते हो, एक छोटी सी मोबाइल से लेकर के आप हर जगह इसको देख सकते हो, इतना डिजिटल ने हम लोगों को फ़ायदा दिया है। तो सिनेमा बहुत डेवलप्ड हुआ है, पहले क्या था हमारे पास सुविधाएँ नहीं थी, कम बजट में लेकिन लोग अच्छी फिल्म बनाते थे। अब थोड़ा सा है कि कभी हम ट्रैक से हट जाते हैं, कभी म्यूजिक से हटते हैं, कभी किसी चीज़ से हटते हैं, कभी अपनी संस्कृति थोड़ी सी भूल के फिल्म बनाते हैं, बट ठीक है। ऑल्दो अच्छा डेवलप हुआ सिनेमा का, सिनेमा आज की डेट में बहुत ही सक्सेसफुल मीडिया है, बहुत ही एक अच्छा व्यापार बना हुआ है जो सब लोग इस फिल्म में आज की डेट में आप देखो कभी लोग अच्छी जगह से आते नहीं थे फिल्म में, आज कौन आदमी सिनेमा में काम नहीं करना चाहता। तो सिनेमा हकदार तो लड़ाई तो देखो जीवन भर क्यों नहीं मिली, चलो कम से कम आज फिल्में रिलीज तो हो रही हैं, फिल्में लोग देख तो रहे हैं, फिल्म के लिए लोग सोच तो रहे हैं, पहले तो मैथिली के नाम पे लोग सोचते भी नहीं थे, आज कम से कम लोग सोच रहे हैं, फिल्म बनाना चाह रहे हैं, थोड़ा और अच्छा और थोड़ा सा हम लोग सब मिल करके अच्छा काम करेंगे, थोड़ी सक्सेसफुल फिल्म होगी, 2 पैसा का रिटर्न होगा तो और अच्छा होगा। मुहूर्त के दिन मुख्य रूप से कैमरे का पूजा होता है, जो 90 के ज़माने में मुहूर्त होता था, लेकिन अभी तो मुहूर्त लोग बंद कर दिए, लेकिन हम मिथिलांचल का हमारा जो परंपरा है पूजा पाठ से हर काम का शुरुआत करते हैं, तो हमने आज पूजा किया, गणपति बप्पा विघ्नहर्ता को बोला कि भाई शूटिंग कंप्लीट होने में आपका पूरा आशीर्वाद चाहिए। और बाकी जिला बेगूसराय एक सोच है किसले जी का, जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे साथ एक टीम है, हमारे साथ इतने प्रखर और एकदम नाटक के मजे में कलाकार संजीव जी हैं, और मैं जब हाफ पेंट पहनता था उस टाइम फिल्म देखता था, वो हीरो ललितेश जी हैं, राजीव सिंह जी हैं, सब मिलके एक टीम वर्क करके, और इस फिल्म को हम अपने हिसाब से, हर आदमी अपने बेटे को राजा बाबू बोलता है, मेरा बेटा राजा बाबू, चाहे वो कितना भी ख़राब हो या अच्छा हो, हमारे लिए तो अच्छा ही है और हम फिल्म के लिए अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन जनता जब बोले जो नहीं ये फिल्म अच्छी है, तो अभी काम शुरू है, बाकी आप लोग का भी सहयोग प्यार दुलार आशीर्वाद का ज़रूरत है, मीडिया है तो हम हैं। अभी मैं हमारा स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, प्री प्रोडक्शन चल रहा है, और हम समय लेंगे क्योंकि मैथिली में बजट का बहुत बड़ा इशू रहता है, कम बजट में बनाना है, किसके पास समय है नहीं है, सबको तालमेल बैठाने के बाद हम शूट करेंगे, बहुत जल्दी 2 से 3 महीने के अंदर हम लोग फ्लोट पे चले जाएंगे। लोकेशन इसका बेगूसराय भी रहेगा, पूर्णिया भी है, पूरा मिथिलांचल लोकेशन है, और कुछ करेंगे और मिथिलांचल में भी करेंगे, और पूर्ण रूप से ये कमर्शियल मूवी होगा, वी आर ए मॉडर्न मैथिल, हम आज टाइटन के घड़ी पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं वुडलैन के, और कार्यक्रम में जाते हैं तो पाग भी पहनते हैं और धोती भी पहनते हैं, तो ये चीज़ है। और ये फिल्म नाना नाम गोत्रा नाम नाना नाम वर्णा नाम, हर जाति हर धर्म हर जिले हर क्षेत्र के लोगों के लिए हमने बनाया, और फिल्म तो झूठ होता है, फिल्म झूठ होता है, आप जब देखते हैं फिल्म तो उसमें जब एक खलनायक नायक को मारता है, आप सही में अगर किसी को उतना मार मारेंगे तो जिंदा रहना मुश्किल है, और गाड़ी जब उड़ता है, सही में आज तक हमने रोड पे गाड़ी उड़ते हुए नहीं देखा है, आप लोगों को भी नहीं देखा, लेकिन तब पर भी हम लोग बैठ के 2.5 घंटा 3 घंटा मनोरंजन करते हैं देखते हैं, तो झूठ है, पूरा एक ड्रामा है, उसको हम लोग कैसे एक्सेप्ट करते हैं, देखते हैं मजे के साथ, और लोगों को शेयर भी करते, नहीं ये फिल्म अच्छी है आप जाके देखो, ये फिल्म अच्छी है, तो वही है। ये गाना गीत संगीत सारा पक्ष के लिए हम आपको बुलाएंगे म्यूजिक रिलीज में, या फिल्म सेट पे भी बुलाएंगे प्रीव्यू के लिए, उस टाइम में हम सब करेंगे, ये अभी सब गोपनीय गुप्त है। हाँ मतलब मैं एक छोटे भाई का रोल कर रहा हूँ इसमें, छोटे भाई का किस तरह का रोल है? बिल्कुल मेरे अपोजिट ही होगा, बिल्कुल जैसा मैं हूँ अभी सीधा साधा, उससे थोड़ा ज़्यादा ही होगा, मतलब कुछ भी कर सकते हैं इसमें। चलिए थैंक यू।